सम्मानित शिक्षक साथियों को नमस्कार। एमके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा दिनांक 24/8/2021 को एक आदेश जारी हुआ है। आइए हम इस आदेश का अध्ययन करते हैं। यह आदेश प्रति जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र समस्त जिले मध्य प्रदेश को लिखा गया है। विषय है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 की तैयारी कराने हेतु प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों का राज्य स्तर से एंडोसेट के माध्यम विषयवार उन्मुखीकरण विषयक। संदर्भ दिया है राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र क्रमांक 4137 दिनांक 9/8/2021, राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र क्रमांक 4381 दिनांक 17/8/2021 एवं राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र क्रमांक 4514 दिनांक 23/8/2021 के संदर्भ में यह पत्र लिखा गया है। आइए इसके मुख्य भाग को देखते हैं। विषयान अंतर्गत राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे NAS 2021 की तैयारी हेतु अभ्यास प्रश्न बैंक भेजे गए हैं। उल्लेखनीय है कि उक्त उपलब्धि सर्वे में छात्र छात्राओं से पूछे जाने वाले प्रश्न उनकी उच्च स्तरीय क्षमताओं जैसे कि विश्लेषण, तार्किक चिंतन और अवधारणात्मक स्पष्टता को जांचने की प्रकृति के होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का शिक्षकों की स्पष्ट समझ बनाने की भी आवश्यकता है। उक्त उद्देश्य के दृष्टिगत NAS 2021 तैयारी हेतु राज्य स्तर से राज्य शिक्षा केंद्र के विषय विशेषज्ञों द्वारा निम्नांकित समय सारणी अनुसार शिक्षकों का विषयवार उन्मुखीकरण कराने का निर्णय लिया गया है। निम्नलिखित तालिका में अंकित समय सारणी अनुसार विषयवार उन्मुखीकरण राज्य शिक्षा केंद्र के एंडोसेट स्टूडियो के माध्यम से किया जा रहा है। आइए देखते हैं, इसका एक टाइम टेबल बना हुआ है। विषय है गणित कक्षा 3, 5 एवं 8वीं। तिथि दी हुई है 26 अगस्त 2021 को 11 बजे से 1 बजे तक। इसमें शासकीय प्राथमिक शाला के संबंधित शिक्षक शामिल रहेंगे। संबंधित विषय के BAC एवं जनशिक्षक उपस्थित रहेंगे। उनके ही माध्यम से जो एंडोसेट तैयार किया गया है, इसकी जिम्मेदारी रहेगी श्री BBP गुप्ता राज्य शिक्षा केंद्र। इनके माध्यम से एंडोसेट स्टूडियो में जो प्रसारण किया जाएगा। अगला दिया है विज्ञान कक्षा 8, 27 अगस्त 2021 को 11 से 1 बजे तक। इसमें शासकीय प्राथमिक शाला के संबंधित शिक्षक शामिल रहेंगे एवं संबंधित विषय के BAC एवं जनशिक्षक। इसकी जो जिम्मेदारी है ये डॉक्टर RP त्रिपाठी राज्य शिक्षा केंद्र। सामाजिक विज्ञान कक्षा 8, इसमें 27 अगस्त 2021 को 3 से 5 बजे तक यह संचालित होगा। यह कार्यक्रम शासकीय प्राथमिक शाला के संबंधित शिक्षकों के लिए एवं संबंधित विषय के BAC जन शिक्षकों के लिए होगा। इसकी जिम्मेदारी श्री BR सूर्यवंशी राज्य शिक्षा केंद्र के को दी गई है। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 तक, यह कार्यक्रम 31 अगस्त 2021 को 11 बजे से 1 बजे तक होगा। यह कार्यक्रम शासकीय प्राथमिक शाला के संबंधित शिक्षक के लिए होगा एवं संबंधित विषय के BAC एवं जन शिक्षक के लिए होगा। इसकी जिम्मेदारी श्रीमती मीता गुप्ता राज्य शिक्षा केंद्र को दी गई है। एवं अंतिम विषय हिंदी, जो कक्षा 3, 5, 8 कक्षा के लिए रहेगा। यह कार्यक्रम 1 सितंबर 2021 से 11 से 1 बजे तक संचालित होगा। इस कार्यक्रम के लिए शासकीय प्राथमिक शाला के संबंधित शिक्षक एवं संबंधित विषय के BAC जन शिक्षक
उन्मुखी हेतु लक्ष्य समूह में रहेंगे एवं इसकी जो जिम्मेदारी डॉक्टर लोकेश खरे राज्य शिक्षा केंद्र को दी गई है। आइए आगे दिया है, उक्त उन्मुखीकरण में डाइट फैकल्टी शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शाला के संबंधित शिक्षक संबंधित विषय के बीएससी जन शिक्षक द्वारा उक्त समय सारणी अनुसार सहभागिता किया जाना सुनिश्चित करें। ध्यान रखा जाए कि शिक्षकों द्वारा अपने अपने विषय के उन्मुखीकरण में ही सहभागिता की जानी है, समस्त विषयों में नहीं। उन्मुखीकरण की लिंक SSA ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पर समस्त DPC को उपलब्ध करा दी जाएगी। DPC यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त शालाओं के विषय शिक्षक इस उन्मुखीकरण में सहभागिता अनिवार्य रूप से करें। इस लिंक को अपने स्तर से सर्वसंबंधितों को प्रसारित करें एवं विषयवार सहभागिता हेतु निर्देशित करें। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से संपादित करें। साथियों, इस आदेश को राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी किया गया है, अतः उक्त समय सारणी अनुसार संबंधित शासकीय प्राथमिक शाला के संबंधित शिक्षक एवं संबंधित विषय के BSc जन शिक्षक इस कार्यक्रम को अवश्य सुनेंगे।